दोस्तों, अगर सबसे दिग्गज अभिनेताओं की बात की जाए तो इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान और अक्षय जैसे अभिनेताओं के नाम सामने आते हैं। आज करोड़ों कमा रहे ये कलाकार अपने ऐशो आराम के लिए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। पर एक समय ऐसा भी था कि जब इन फिल्मी सितारों को अपनी जीवन की पहली गाड़ी लेने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी थी इन अभिनेताओं की कमाई की पहली कार। फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के ऐशो आराम देखकर आज बड़े बड़े उद्योगपति भी हैरान रह जाते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के पास आज 20 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली गाड़ी फिएट थी, जिसे अमिताभ ने कई महीनों की कमाई जोड़ने के बाद खरीदा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले अक्षय कुमार बॉलीवुड में आने से पहले रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी किया करते थे। जिंदगी के कई साल स्ट्रगल में बिताने के बाद आज ये अभिनेता पूरी शान और शौकत से जीता है। अक्षय की पहली कार एक सेकेंड हैंड फिएट थी, जिसे उन्होंने 28,000 रुपए देकर खरीदा था। बॉलीवुड में जमीन से आसमान तक का सफर तय करने वाले शाहरुख खान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में उनकी गिनती की जाती है। शाहरुख ने अपना बॉलीवुड डेब्यू वर्ष 1992 में फिल्म दीवाना से किया था और उनकी पहली कार ओमनी थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान यूं तो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लेखक सलीम खान के बेटे हैं, पर सलमान ने कभी भी अपने शौक पूरे करने के लिए अपने पिता पर दबाव नहीं बनाया। आपको बता दें कि सलमान ने अपनी पहली कार अपनी कमाई से ही खरीदी थी। उनकी पहली कार हेराल्ड थी, जिसे ऋषि कपूर ने फिल्म जमाना में चलाया था।